हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा कर रहा हूँ मार्क्सन फार्मा के बारे में। जैसा कि आप सभी अल्फा मेंबर्स जानते हैं कि कल आपको मैसेज किया गया था, सॉरी कल नहीं, फ्राइडे को, क्योंकि कल तो कोई भी वीडियो हमने शेयर की नहीं आपके साथ। तो फ्राइडे के सेशन में मार्क्सन फार्मा से रिलेटेड हमने एक मैसेज आपके साथ शेयर किया था। वो मैसेज क्या था वो तो आपको पता ही है, लेकिन अब जो चर्चा है वो खुलकर जो है इस शेयर्स के बारे में हम करेंगे। कोई भी जो चर्चा है वो एक वीडियो तक शायद सीमित ना रहे, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे खास बात, मार्क्सन फार्मा क्या काम करती है, मार्क्सन फार्मा की हिस्ट्री क्या। मार्क्सन फार्मा वास्तव में ग्लेन मार्क जो फार्मा है उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हुआ करती थी, और इसको 1992 में इनकॉर्पोरेट किया था। इस कंपनी के अंदर सबसे खास बात ये थी कि जब मार्क्सन के जो आज की डेट में ओनर या प्रमोटर हैं, यानी कि मार्क सधाना जी, और मार्क सधाना जी जो है वो इस कंपनी को चलाते हैं आज की डेट में। इनके ब्रदर ग्लेन सधाना जी जो है ग्लेन मार्क चलाते हैं। इनके फादर ने ग्लेन मार्क फार्मा एक कंपनी शुरू की थी, और बाद में जब इस फैमिली बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तो इसमें से जो कंपनी थी वो ग्लेनमार्क लेबोरेटरी के नाम से मार्क्सन पहले जानी जाती थी, जब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1992 में। बाद में इसको एक सेपरेट कंपनी बना दिया गया 2003 में, और बाद में एक फैमिली अरेंजमेंट के तहत मार्क्सन फार्मा, जो बाद में ग्लेनमार्क लेबोरेटरी का नाम बदल कर दिया गया था, जो आज की डेट में मार्क्सन फार्मा है। तो मार्क्सन्स फार्मा जो आज की डेट में कंपनी है, उसके जो शेयर्स थे वो दोनों ब्रदर के पास आ गए, यानी कि ग्लेन के पास भी और मार्क के पास भी। ग्लेन मार्क के जो शेयर्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए, ग्लेन मार्क फार्मा के जो शेयर्स थे ग्लेन सधाना जी के पास, और जो मार्क्सन्स के जो शेयर होल्डिंग थी वो फैमिली अरेंजमेंट के तहत जो है मार्क सधाना जी के पास आ गए। तो दोनों कंपनी अलग अलग चलने लगी। तो अब जो भी पोजीशन थी मार्क सधाना जी की, वो पहले होल टाइम डायरेक्टर्स थे ग्लेन मार्क फार्मा के अंदर। अब ये कंपनी वास्तव में किस तरीके के बिजनेस करती है, तो ये कंपनी एपीआई बिजनेस के अंदर है। एपीआई का मतलब है वो रॉ मटेरियल जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को चाहिए, जिनसे दवाइयाँ बनती है, फॉर्मुलेशंस यानी कि दवाइयाँ बनाने वाला काम, और इसके अलावा दूसरों के लिए काम करने वाले यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए आज की डेट में मार्क्सन्स करती है। अब इस कंपनी की जो जबरदस्त प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, देखिएगा, इनका गोवा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और वो जो है कंपनी जब स्टार्ट की गई थी तो ये पेन किलर्स जो दवाइयाँ बनाते थे, हालांकि अब वो कंपनी सॉफ्ट जेल बनाती है। सॉफ्ट जेल एक ऐसे जेल्स होते हैं जो मेडिसिन के फॉर्म में अगर बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही जल्द जो है घुल जाते हैं, जिससे कि उन दवाइयों का असर ज़्यादा हो। तो आज की मॉडर्न युग के अंदर सॉफ्ट जेल्स जो है काफ़ी प्रचलित है, और जैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर विटामिन डी की गोलियां बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर्स देते हैं, तो वो भी सॉफ्ट जेल के फॉर्म्स में आती हैं। बहुत सारी जो फॉर्मेट्स हैं वो सॉफ्ट जेल हैं, हालांकि हार्ड जेल कैप्सूल्स भी इंडिया में जो है आज भी यूज़ होते हैं, लेकिन सॉफ्ट जेल जो है काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर विश्व में प्रचलित है, और सॉफ्ट जेल के अंदर इस कंपनी की काफ़ी जबरदस्त प्रेजेंस है। पेन किलर्स के अंदर भी काफ़ी जबरदस्त प्रेजेंस है इस कंपनी की। इसके अलावा जो बाकी मेडिसिन हैं उनमें भी अच्छी प्रेजेंस है, वो जो मैं आगे चल के आपको शेयर करूँगा। तो इस कंपनी में आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, सर ये क्या बताने लग रहे हो आप, सर ये बताओ ना कि लेना है या नहीं लेना है, बेचना है या खरीदना है, कितना लेना है कितना बेचना है। भैया पहले सुन लो, आप जो निवेश करोगे तो बाद में जब शेयर्स में आप निवेश करते हैं तो बाद में आपको पेट दर्द की दवाई ना लेनी पड़े, यानी कि आपके पेट में दर्द ना हो, इसलिए आपको कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, अरे सर क्या बताने लग रहे हो आप। अब देखिएगा, इसका जो बिजनेस एरिया है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। देखिएगा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज अगर रिसर्च नहीं करेंगे आज के युग में तो उनका सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही दूर होता है, यानी कि नई नई दवाइयाँ, नए नए मॉलिक्यूल्स जो हैं आप लेके आएंगे, नई जब ड्रग्स आप जब तक इजाद नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को जो है सस्टेन नहीं कर सकते उस बिजनेस के अंदर। दूसरा बिजनेस है फॉर्मुलेशन, दवाइयाँ बनाने वाला। इनके जो प्लांट्स हैं वो गोवा के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर जो प्लांट्स हैं। द कंपनी ओन्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर सॉफ्ट जेल इन एशिया,
यानी कि एशिया के अंदर जो सॉफ्ट जेल जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे बड़ी कंपनी ये ओन करते हैं एशिया रीजन के अंदर। फिर इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं गोवा के अंदर, यूके के अंदर और यूएस के अंदर। एपीआई बनाते हैं तो 2 API प्लांट्स हैं जो कि पुणे के अंदर लोकेटेड है, और ये API के अंदर अभी और एक्सपेंशन कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। API वास्तव में फॉर्मुलेशन बिजनेस के अंदर चाहिए रॉ मटेरियल, तो उस फॉर्मुलेशन बिजनेस के लिए ये शायद API में और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चाहे वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो, यानी कि या तो मार्केटिंग करने वाली बात हो या पीछे से रॉ मटेरियल कैपेबिलिटी, पूरा जो चेन है उसकी तरफ जो है कंपनी की मैनेजमेंट आगे फोकस कर रही है, और अभी भी उसका बहुत अच्छी प्रेजेंस है क्रैम्स के अंदर। क्रैम्स के मतलब है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके अंदर 8 MNC जेनरिक कंपनीज हैं जो उसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और 30 जेनरिक प्रोडक्ट्स फॉर यूरोपियन मार्केट्स। और अब मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक इंडिया के अंदर बहुत बेहतरीन कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, हालांकि वो दूसरे सेगमेंट में है, उस कंपनी को आप देखिएगा। तो इस तरीके की कंपनी एग्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ऐसी कंपनी 50 की P/E पर काम करती है, और वो एग्रोकेमिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही मेजर बिजनेस है। अरे सर क्यों आप हमारे को परेशान कर रहे हो, क्यों हमारे को मेहनत करा रहे हो, चलो मैं नाम बता देता हूँ। उस कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज, और आप उसकी वैल्यूशंस देखिएगा। अब इस फार्मा पे क्यों मेरा फोकस है वो तो मैं आपको गाय बगाय बताता ही रहता हूँ, लेकिन आज ध्यान से समझिएगा कि ये जो कंपनी है मार्कसन फार्मा, हम अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपनी 2001 में जो है ग्लेनमार्क फार्मा से अलग हुई, और फिर ये इंडिविजुअली काम करने लगी, और इसके बाद 2003 में तो इसको बिल्कुल ही इसका नाम बदल दिया गया, और जो ग्लेनमार्क लेबोरेटरी के नाम से कंपनी जानी जाती थी, 2005 में इन्होंने नोवा फार्मा ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरीदी। उसके बाद 2008 में इन्होंने बेल्स जो नाम की कंपनी, जो बेल्स सन्स एंड कंपनी ड्रग्स लिमिटेड है, उसको खरीदा, और फिर इन्होंने रेलोन कैम लिमिटेड को। तो इस तरीके से इन्होंने यूके के अंदर भी एक जो है कंपनियां खरीदी। तो इस तरीके से मार्क्स सन्स जो है, मार्क्स सन्स वैसे सेंस है इसमें, सन्स नहीं है, वो नहीं है। तो मार्क्स सन्स जो फार्मा है वो वास्तव में एक ग्लोबल प्लेयर जो है 2009 में बन गया। अब इसके शेयर प्राइस से रिलेटेड बात हम करें तो पहले मैं शेयर प्राइस से रिलेटेड बात करता हूँ। देखिएगा इस कंपनी का शेयर का प्राइस करीबन 105 110 रुपये के आसपास 2015 नवंबर दिसंबर में ट्रेड कर रहा था, तो अभी भी उसके नीचे ये 73 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि ये शेयर्स का प्राइस गिर गया, तो ये सब चर्चा हमने करनी है इस वीडियो के अंदर आगे के पोर्शन में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं, इसके बाकी फर्दर एनालिसिस से पहले मैं आपको कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो देखिएगा सबसे खास बात क्या है कि जो मार्च 2021 में इनके क्वार्टर रिजल्ट से उसके सामने रेवेन्यूज जून के क्वार्टर में बढ़कर आए, लेकिन नेट प्रॉफिट केवल 28 करोड़ जो है इन्होंने रिपोर्ट किया यहाँ पर, और EPS जो है 0.71। तो ये इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टैंड अलोन बेसिस पे है, तो स्टैंड अलोन से हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। तो जो लोग BSE के वेबसाइट पे देख रहे होंगे और ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन देखिएगा अभी आपके काम की नहीं है, इसलिए मैं चर्चा आगे कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि सर ये इन्फॉर्मेशन तो BSE पे है, आप दूसरी इन्फॉर्मेशन क्यों दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले डाल दिया है। तो BSE पे ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो कंपनी है कैसे काम करती है, और मार्क सल्दाना जी जो है वो कैसे इस कंपनी को चला रहे हैं, ये अब सारी प्रेजेंटेशन हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज का जो शेयर है वो हमारा मार्क्स एंड फार्मा। तो अब यहाँ पर आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, उसमें मैं आपको और भी आगे की चर्चा बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।